कहते हैं उम्मीद और विश्वास ही सफलता की लौ को जलाए रखते हैं। लगभग 2 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 2022 से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी कब आएंगी। राइट, पूरा पूरा कोर्स पढ़ाया जा चुका है, बच्चे दो दो बार रिवीजन कर चुके हैं, बहुत क्यूरियस हैं, बहुत जिज्ञासु हैं कि कब होगा, सरकार की क्या मंशा है। आयोग भी बन चुका है, नई नियमावली में भी लगभग लगभग संशोधन हो रहे हैं। राइट, किस तरह से क्या होने वाला है ये भी बोल दिया गया है, जीके जीएस नए सत्र से ऐड होगा। राइट, ये भी बोल दिया गया है कि भाई पीजीटी में बीएड भी जरूरी है, मतलब कई चीजें कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के मन में ये शंका बनी हुई है कि सर 2024 में क्या यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद कई बार न्यूज में निकल चुका है, कई बार ये न्यूज में निकल चुका है कि आयोग का पूरा काम हो चुका है, सारे सदस्य बन चुके हैं, जल्दी ही जो 2022 की जो वैकेंसीज हैं जो अभी एग्जाम नहीं कराए गए हैं, यानी यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको पहले कराया जाए। तो बहुत सारे बच्चे ये मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि 2024 में एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, 2024 के कैलेंडर में राइट अगर कोई सबसे पहले वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी, तो वो एलटी ग्रेड आने वाली है, एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी। और अगर सबसे पहले कोई एग्जाम होगा तो याद रखिएगा वो यूपी टीजीटी और पीजीटी का ही एग्जाम होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो किसी चक्कर में मत पड़िए, कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है और आप फिर बहुत ही मतलब कहते हैं नहीं, हेल्टर स्केल्टर वाली स्थिति हो जाएगी, बहुत जल्दी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इधर उधर अफवाहों से बचिए। यूट्यूब पे बच्चे कुछ भी देख के क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अरे सर 2024 में होगा कि नहीं होगा, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। सरकार की जो कंडीशन हुई है 2024 के इलेक्शन में, आप देखिए कितनी ज्यादा सीटें विपक्षी पार्टी ने जीती हैं। तो सरकार का सबसे बड़ा डंडा इसी पे चल रहा है कि नई वैकेंसी लाई जाए, जो पद है उनको भरे जाए, जो बुरी वैकेंसी है उनके एग्जाम कराए जाए। लेकिन नया आयोग बना है, थोड़ा प्रोसेस में समय लग रहा है, 1-2 महीने का। फिर भी मैं आपको बता दूं, लगभग 45 to 60 days का समय आपको दिया जाएगा डेट निकलने से। कि भाई मान लीजिए आज ही डेट आ जाती है, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, यस आज 16 जुलाई है, तो आप मान लीजिए अगर आज डेट आ जाती है तो 5 to 10 September के बीच एग्जाम हो सकता है। आज तो डेट आई नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि जुलाई में डेट आएगी। अगस्त में अगर डेट आती है, सेप्टेम्बर अक्टूबर, आप अक्टूबर को टारगेट करके चलिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप टारगेट मान के चलिए कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में काफी वैकेंसीज हैं, राइट 3,500-4,000 वैकेंसीज हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, एलटी ग्रेड की भी न्यू वैकेंसीज आने वाली है। राइट, एलटी ग्रेड क्यों नहीं हो पाया था, कुछ संशोधन हुआ था कि भाई प्री होगा फिर मेन्स होगा, कुछ इस तर्ज पे एग्जाम होने वाला था। राइट, और कुछ भी संशोधन थे, सिलेबस में चेंजेस थे। राइट, तो इस वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन एलटी ग्रेड की तो वैकेंसीज 100% आने वाली है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में कोई नया अमेंडमेंट, कोई नया संशोधन नहीं होने वाला है। हाँ, सेंटर वगैरह कुछ अभी सुनने में आया था न्यूज़पेपर में, आप दूर रहेंगे, बाहर रहेंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेंगे जहाँ के आप हैं, ताकि पेपर आउट होने से बचाया जाए, परीक्षा की शुचिता को मेंटेन रखा जाए। सरकार अपनी तरफ से हर तैयारी कर रही है, तब भी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े एग्जाम आउट हुए, देखा आपने यूपी पी के एग्जाम में, या आपने आर ओ के एग्जाम में देखा, सेंट्रल लेवल पर यूजीसी नेट का देखिए, नीट का एग्जाम देखिए, ये सब चलता रहेगा, पूरी तरह से सरकार डेडिकेटेड है कि ये सब ना हो। लेकिन आप क्या इस चक्कर में पढ़ के अपना सिलेक्शन पा पाएंगे, क्या ये बातें अगर आप दिन भर न्यूज़ में पढ़ते रहेंगे क्या आउट हो रहा है क्या नहीं आउट हो रहा है। जिनका भैया सिलेक्शन होना है ना, वो पढ़ रहे बैठ के। ये मैं मानता हूँ कि 2022 से 2024 बहुत बड़ा समय होता है, आदमी 38 से 40 का हो जाता है। राइट, कुछ लोगों के लास्ट अटेम्प्ट है, वो बैठे रह जाते हैं, कुछ का परिवार इसी आश्रय में कि बच्चे की नौकरी लगेगी तो परिवार कुछ और अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम अभी से नहीं, हमेशा से चलती आई है। फिर भी क्या हम मेहनत करना छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है। अगर फाइनली सिलेक्शन हमें लेना है तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि 2024 में होगा कि नहीं होगा। 2024 में आप मान लीजिए 99% आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर अफवाहों में मत पढ़िए यार, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।